New Oxford Modern English Book, Class 6th, Mother to Son, Complete Explanation in Hindi. Well, son, I will tell you, life for me and be no crystal stairs. Well, son, एक माँ अपने बेटे को बोल रही है, उसको समझा रही है, उसको इनकरेज कर रही है, मोटिवेट कर रही है. उस वक्त वो क्या क्या बोल रही है. I will tell you, मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं तुमको बता रही हूँ. Life for me, यानी मदर के लिए जो ज़िंदगी है. Aunt been का मतलब होता है has not के लिए यहाँ aunt been लिखा हुआ है. Has not been crystal, no crystal stairs, यानि माँ के लिए जो ज़िंदगी थी वो crystal stairs के जैसे नहीं थी. Stairs मतलब सीढ़ियाँ, crystal जो चमकता है, crystal stair जो है वो comfortable, ईजी, सुविधाजनक, सिंपल लाइफ को दर्शाता है. तो मदर अपने एक बेटे को बोल रही है, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल भी क्रिस्टल स्टेयर्स के समान नहीं थी. मेरी ज़िंदगी तकलीफ़ों से और परेशानियों से भरी हुई थी. इट हैड टैक्स इन इट. टैक्स का मतलब होता है खीले, जिसका एक बाजू पॉइंटेड और ऊपर का स्मूथ सरफेस होता है. इट्स हैड टैक्स इन इट. पूरे रास्ते, पूरी ज़िंदगी जो है कांटों से भरी थी, तकलीफ़ों से भरी हुई थी. एंड स्प्लिंटर्स, स्प्लिंटर्स क्या होते हैं, वुडन पीसेस होते हैं, छोटे छोटे वुडन पीसेस जिसका एक एंड शार्प रहता है, लकड़ी के बने हुए पीसेस जिसका वन एंड शार्पन हो या शार्पन एंड्स के साथ. ये जो द एंड बोट स्टोन अप यानी हर जगह के रास्ते टूटे हुए, ज़िंदगी बहुत तकलीफ़ों से भरी हुई. ये तीनों लाइनें, इट हैड टैक्स इन इट एंड स्प्लिंटर्स एंड बोट्स टोन अप, ये तीनों ये बताते हैं कि जो मदर की ज़िंदगी है वो पूरी तरीके से दुखों, तकलीफ़ों, मुसीबतों से भरी हुई थी. एंड प्लेसेस विथ नो कारपेट ऑन द फ्लोर. अगर कारपेट ऑन द फ्लोर का मतलब होता है रेड कारपेट ऑन द फ्लोर, या कारपेट ऑन द फ्लोर का मतलब होता है कम्फर्टेबल लाइफ जीना. एंड प्लेसेस विथ नो कारपेट ऑन द फ्लोर, यानि ऐसी जगह थी ज़िंदगी मेरी जहाँ पे कहीं पे भी मेरे लिए सुख सुविधाएँ नहीं थी. एंड बेयर, और मुझे उन रास्तों पे चलना था बिना कुछ पैरों में पहने, नंगे पैर चलना था, बिना किसी सुविधा के, बिना किसी मदद के मुझे उस रास्ते से गुजरना था. बट ऑल द टाइम, लेकिन हर वक्त, एज बीन क्लाइंबिंग ऑन इट. एज बीन यानि आई हैव बीन, मैं हमेशा. क्लाइंबिंग ऑन यानि चढ़, क्लाइंबिंग यानि ऊपर चढ़ते जाना. लेकिन इसके बाद भी, ऐसा वक्त होने के बाद भी मैं ज़िंदगी में कभी भी रुकी नहीं, हमेशा आगे और ऊंचाइयों की तरफ बढ़ती रही, सारी तकलीफ़ों को पार करते हुए. एंड रीच इन लैंडन्स, और मैं उन जगहों पे पहुंची. जैसे अगर हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, कुछ सीढ़ियाँ क्रॉस करने के बाद फ्लैट सरफेस आता है तो उसको बोला जाता है लैंडन्स. और मदर अपने बेटे को बोल रही है, इतनी ज़िंदगी की तकलीफ़ों की सीढ़ियों को चढ़ते हुए मैं आखिर लैंडन्स तक के, यानी उस फ्लैट सरफेस तक के पहुंच जाती थी. एंड टर्निंग कॉर्नर्स, जहाँ पे टर्न करने के लिए कॉर्नर्स आ जाते हैं सीढ़ियों पे आगे बढ़ने के लिए. एंड समटाइम्स गोइंग इन द डार्क, कभी कभी तो मेरी ज़िंदगी में हर तरफ अंधियारा छा जाता था. वेयर देट आंट बी नो लाइट, और ऐसा लगता था कि अभी कोई ज़िंदगी में रोशनी की किरण या कहीं से रास्ता भी दिखाई नहीं देता था. सो बॉय डोंट यू टर्न बैक. सो बेटा, तुमको भी ये बातें मुझसे सीखनी हैं. क्या सीखना है, कि ज़िंदगी की राहों की तकलीफ़ों को सहते हुए तुमको टर्न होके पीछे मुड़ के नहीं देखना है. डोंट यू सेट डाउन ऑन द स्टेप्स, और तुमको कहीं पे तकलीफ़ों से और मुश्किलों से हार के कहीं सर पकड़ के बैठ नहीं जाना है, कहीं पे तुमको रुक नहीं जाना है. कॉज यू फाइंड इट्स अ काइंडर हार्ड. हाँ, तुम्हारे लिए ये सब करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है. ये करना मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट था और तुम्हारे लिए भी डिफ़िकल्ट होगा. डोंट यू फॉल नाउ, तुम प्लीज़ कभी भी कहीं गिरना नहीं. डोंट यू फॉल नाउ यानी मुश्किलों को सहते हुए हिम्मत बना के, स्ट्रेंथ बना के आगे बढ़ना, गिरना कभी नहीं. फॉर आई स्टिल गोइंग हनी. देखो बेटा, हनी अपने बेटे को प्यार से बोल रही है, मैं आज तक के आगे चल रही हूँ, मैं कभी रुकी नहीं हूँ. आई स्टिल क्लाइंबिंग, मैं आज भी उन्हीं तकलीफ़ों की रास्तों पर हार्डवर्क, मेहनत और
लगन के साथ आगे बढ़ रही हूँ। एंड लाइफ फॉर मी आंट बी नो क्रिस्टल स्टेयर्स, मेरे लिए ज़िंदगी कोई एक क्रिस्टल स्टेयर के जैसे चमकीली, स्मूथ, कंफर्टेबल कभी नहीं थी। इस तरीके से एक मदर अपने बेटे को मोटिवेट कर रही है, इनकरेज कर रही है कि ज़िंदगी की तकलीफ़ों को आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ने के रास्ते दिखा रही है। ये जो पोएम है, दैट इज़ रिटन बाय लैंगस्टन ह्यूज़।